हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES होम डिजाइन के फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 फीट इंटू 30 फीट हाउस प्लान के बारे में, यानी घर का नक्शा के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उसका फ्रंट डिजाइन। ये काफ़ी अच्छा हमने डिजाइन किया है, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका नक्शा भी दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उसका नक्शा। उसके बाद इसके अंदर में देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसके अंदर में क्या क्या है, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये छोटी सी वीडियो है, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले नक्शा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई है 20 फीट और लंबाई है 30 फीट। ये साउथ फेसिंग है और ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और सामने इसका रोड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेन गेट दिया गया है। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं, सामने यहाँ पे एक सीढ़ी है, ठीक है। तो इधर से आपका रास्ता हो जाएगा आने जाने के लिए। इधर से आप सीढ़ी पे चढ़ के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, सीढ़ी का जो चौड़ाई दिया गया है, यानी एक स्टेप का चौड़ाई 3 फीट 6 इंच दिया गया है। इधर से यहाँ पे 3 फीट 6 इंच, यानी दोनों साइड से 7 फीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इस डोर से अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम का यहाँ पे साइज दिया गया है 12 फीट, इधर से दिया गया है 9 फीट 3 इंच। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सामने एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है, जिसका साइज है 11 फीट 8 इंच, इधर से है 9 फीट 6 इंच। और सामने यहाँ पे एक किचन है, किचन का साइज है 7 फीट 4 इंच, इधर से है 5 फीट 11 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सामने एक बेडरूम दिया गया है, जिसका साइज है 12 फीट 6 इंच, इधर से है 9 फीट 6 इंच। और सामने यहाँ पे एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया गया है, जिसका साइज है 6 फीट 6 इंच, इधर से है 6 फीट 2 इंच। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक शाफ्ट दिया गया है, जिसका चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच, इधर से है 3 फीट। इससे यहाँ पे वेंटिलेशन हो पाएगा, टॉयलेट में भी एक वेंटिलेटर यहाँ पे लगा पाएंगे, और यहाँ पे बेडरूम में विंडो दे पाएंगे यहाँ पे, और इससे यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये काफ़ी अच्छा प्लान है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम इसी तरह से प्लान होगा। और सामने यहाँ पे 3 फीट का पोर्च ले लेंगे, यानी प्रोजेक्शन ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पे आप बालकनी वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि काफ़ी अच्छा प्लान है, तो सेम उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान होगा। तो चलिए अब इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सामने इसका रोड है, ठीक है, सामने यानी फ्रंट हो गया, ठीक है। फ्रंट में यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे सीढ़ी दिया गया, ठीक है। सीढ़ी का यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे करके यहाँ पे चढ़ेंगे, ऐसे करके आएंगे और ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस डोर से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है। उसके बाद सामने ये डोर से अंदर आएंगे इस बेडरूम में, ठीक है। ये बेडरूम हो गया, और यहाँ पे एक बेडरूम है, और ये वाला आपका किचन हो गया। और इधर से यहाँ पे देख लीजिए, ये टॉयलेट कंबाइन बाथरूम, और ये वाला शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट से यहाँ पे देख सकते हैं, एक वेंटिलेटर दिया गया है, और यहाँ पे इस बेडरूम से एक विंडो दिया गया, ठीक है। इससे यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, डाइनिंग हॉल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं, टॉयलेट के सामने एक बेसिन भी दिया गया है। इससे यहाँ पे डाइनिंग हॉल के सामने बेसिन भी हो गया, यानी टॉयलेट के सामने हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह से आप फर्स्ट फ्लोर पे भी बना सकते हैं, और सामने बालकनी वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे डिज़ाइन में दिया गया है, 3 फीट का यहाँ पे बालकनी लेंगे, तो ऐसे करके यहाँ पे डिज़ाइन दे देंगे। और सामने यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से सीढ़ी में डिज़ाइन दिया गया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर और अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।